वन ईयर बाइबल रीडिंग प्लान फर्स्ट कोरिंथियंस 7 चैप्टर साम्स 119-113 वर्स से 176 वर्स तक पढ़ेंगे। पहले कुरंथियों की पत्री 7 अध्याय भजन संहिता 119 से अध्याय में से 113 वचन से लेकर 176 वचन तक हम पढ़ेंगे। एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो किंग्स जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे तो DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। हम फर्स्ट कोरिंथियन 7 चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस रिपांत आश्कर बखेसी एखेती नरुपहा खस्सा कि हब उल्ल रहा अखस्से है कतकिन बिरखुल्ल रहा खस्से लब्बा अखतीन रुबहु बुबोखुस्से इखेतकिन बिरखुल्ल रहा खस्सा बर्रे बेबे कस्से एकेतकिन बिरखुल्ल रहा अखस्से है कतकिन बिरखुल्ल रहा खस्सा तेरे स्वर्ग की ओर हमारे ध्यान को खोल मेरे खुदा परमेश्वर। हम कहीं पर भी ब्लॉक होकर ना रहे खुदा परमेश्वर। तो इतना प्यारा और इतना महान बातें तेरे विषय में है खुदा कि इस पृथ्वी के ऊपर केवल तेरा आत्मा हमको उन बातों के प्रकाशनों को दे सकता है। पवित्र आत्मा तू हमारे अंदर निवास कर रहा है। हम अपने आप को तेरे हाथों में तेरे अधीन कर देते हैं। हम तुझ से प्रकाशनों को लेने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। हम हर एक वो ब्लॉक करने वाली बात, हर एक जो हमको परमेश्वर के प्रकाशनों को प्राप्त नहीं करने देने वाली बातों को परमेश्वर पिता हम तुझ से विनती करते तू अपने तरीके से हमको साफ कर, शुद्ध कर। वो अड़चन, वो बातें, अटकाने वाली बातें तू अपने तरीके से अपनी ओर से तू ऐसी कुछ पहल कर और ऐसा कुछ कर कि वो बातें हम में से हट जाए और हमारे अंदर तेरा वचन ठहरने लगे, हमारे स्मरण में वो रहने लगे और हम उसका स्वाद हमेशा लेते रहे। नासरी यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। फर्स्ट कोरिंथियन 7 चैप्टर फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। द यूज ऑफ मैरिज क्राइस्ट हैथ फॉरबिडन टू डिसॉल्व द बॉन्ड देयर ऑफ एक्सेट्रा। फर्स्ट वर्स से नाउ कंसर्निंग द थिंग्स वेयर ऑफ ये रोट अनटू मी इट इज गुड फॉर अ मैन नॉट टू टच अ वुमेन नेवर द लेस टू अवॉइड फॉर्निकेशन लेट एवरी मैन हैव हिज ओन वाइफ एंड लेट एवरी वुमेन हैव हर ओन हस्बैंड लेट द हस्बैंड रेंडर अनटू द वाइफ ड्यू बेनिवोलेंस एंड लाइकवाइज ऑल्सो द वाइफ अनटू द हस्बैंड The wife hath not power of her own body, but the husband, and likewise also the husband hath not power of his own body, but the wife. Defraud ye not one the other, except it be with consent for a time, that ye may give yourselves to fasting and prayer, and come together again, that Satan tempt you not for your incontinency, but I speak this by permission and not of commandment, for I would that all men were even as I myself, but every man hath his proper gift of God, one after this manner and another after that. I say therefore to the unmarried and widows, It is good for them if they abide even as I. But if they cannot contain, let them marry. For it is better to marry than to burn. And unto the married I command, yet not I, but the Lord. Let not the wife depart from her husband. But and if she depart, let her remain unmarried, or be reconciled to her husband, and let not the husband put away his wife. But to the rest speak I, not the Lord.
इफ एनी ब्रदर हैथ अ वाइफ दैट बिलीवथ नॉट एंड शुड बी प्लीज्ड टू ड्वेल विथ हिम लेट हिम नॉट पुट हर अवे एंड द वुमेन विच हैथ एन हस्बैंड दैट बिलीवथ नॉट एंड इफ ही बी प्लीज्ड टू ड्वेल विद हर लेट हर नॉट लिव हिम For the unbelieving husband is sanctified by the wife, and the unbelieving wife is sanctified by the husband. Else were your children unclean, but now are they holy. But if the unbelieving depart, let him depart. A brother or a sister is not under bondage to such cases. But God hath called us to peace. For what knowest thou, O wife, whether thou shalt save thy husband? Or how knowest thou, O man, whether thou shalt save thy wife? But as God hath distributed to every man, as the Lord hath called every one, so let him walk. And so ordain I in all churches. Is any man called being circumcised? Let him not become uncircumcised. Is any called in uncircumcision? Let him not be circumcised. Circumcision is nothing and uncircumcision is nothing, but the keeping of the commandments of God. Let every man abide in the same calling wherein he was called. Art thou called being a servant? Care not for it, but if thou mayest be made free, use it rather. For he that is called in the Lord, being a servant, is the Lord's free man. Likewise also, he that is called being free is Christ's servant. Ye are bought with a price, be not ye the servants of men. Brethren, let every man wherein he is called, therein abide with God. Now, concerning virgins, I have no commandment of the Lord, yet I give my judgment as one that hath obtained mercy of the Lord to be faithful. I suppose, therefore, that this is good for the present distress. I say that it is good for a man so to be. Art thou bound unto a wife? Seek not to be loosed. Art thou loosed from a wife? Seek not a wife. But, and if thou marry, thou hast not sinned. And if a virgin marry, she hath not sinned. Nevertheless, such shall have trouble in the flesh. But I spare you. 29th verse से आगे पढ़ेंगे. But this I say, brethren, the time is short. It remaineth that both they that have wives be as though they had none, and they that weep as though they wept not, and they that rejoice as though they rejoiced not, and they that buy as though they possessed not, and they that use this world as not abusing it, for the fashion of this world passeth away. But I would have you without carefulness. He that is unmarried careth for the things that belong to the Lord, how he may please the Lord. But he that is married careth for the things that are of the world, how he may please his wife. There is difference also between a wife and a virgin. The unmarried woman careth for the things of the Lord, that she may be holy, but both in body and in spirit. But she that is married careth for the things of the world, how she may please her husband.
एंड दिस आई स्पीक फॉर योर ओन प्रॉफिट नॉट दैट आई मे कैस्ट अ स्नेयर अपॉन यू बट फॉर दैट विच इज कॉमली एंड दैट ये मे अटेंड अपॉन द लॉर्ड विदाउट डिस्ट्रैक्शन बट इफ एनी मैन थिंक दैट He will behave himself uncomely toward his virgin if she pass the flower of her age and need so require. Let him do what he will. He sinneth not, let them marry. Nevertheless, he that standeth steadfast in his heart, having no necessity, but hath power over his own will, and hath so decreed in his heart that he will keep his virgin, doeth well. So then, he that giveth her in marriage doeth well, but he that giveth her not in marriage doeth better. The wife is bound by the law as long as her husband liveth. But if her husband be dead, she is at liberty to be married to whom she will. Only in the Lord, but she is happier if she so abide after my judgment, and I think also that I have the Spirit of God. पहले कुरंतियों की पत्री 7 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे. विवाह से संबंधित प्रश्न पहले वचन से उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को न छुए परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं पर उसके पति का अधिकार है वैसे ही पति को भी अपने देह पर अधिकार नहीं परंतु पत्नी का है तुम एक दूसरे से अलग न रहो परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे परंतु मैं जो यह कहता हूँ वह अनुमति है न कि आज्ञा मैं यह चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसे मैं हूँ परंतु यदि वे संयम न कर सके तो विवाह करें क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले और न पति अपनी पत्नी को छोड़े दूसरों से प्रभु नहीं परंतु 12 वचन दूसरों से प्रभु नहीं परंतु मैं ही कहता हूँ यदि किसी भाई की पत्नी विश्वास न रखती हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो तो वह उसे न छोड़े जिस स्त्री का पति विश्वास न रखता हो और उसके साथ रहने से प्रसन्न हो वह पति को न छोड़े क्योंकि ऐसा पति जो विश्वास न रखता हो वह पत्नी के कारण पवित्र ठहरता है और ऐसी पत्नी जो विश्वास नहीं रखती पति के कारण पवित्र ठहरती है नहीं तो तुम्हारे बाल बच्चे अशुद्ध होते परंतु अब तो पवित्र है परंतु जो पुरुष विश्वास नहीं रखता यदि वह अलग हो तो अलग होने दो ऐसी दशा में कोई भाई या बहन बंधन में नहीं हालेलुया परमेश्वर में हमें मेल मिलाप के लिए बुलाया है क्योंकि हे स्त्री तू क्या जानती है कि तू अपने पति का उद्धार करा लेगी और हे पुरुष तू क्या जानता है कि तू अपनी पत्नी का उद्धार करा लेगा परमेश्वर की बुलाहट के अनुसार चलो 17 वचन से आगे
जैसा प्रभु ने हरेक को बांटा है और जैसा परमेश्वर ने हरेक को बुलाया है वैसा ही वह चले। मैं सब कलीसियाओं में ऐसा ही ठहराता हूँ। जो खतना किया हुआ बुलाया गया हो वह खतना रहित न बने, जो खतना रहित बुलाया गया हो वह खतना न कराए। न खतना कुछ है और न खतना रहित, परंतु परमेश्वर को की आज्ञाओं को मानना ही सब कुछ है। हर एक जन जिस दशा में बुलाया गया हो उसी में रहो। यदि तू दास की दशा में बुलाया गया हो तो चिंता न कर, परंतु यदि तू स्वतंत्र हो सके तो ऐसा ही काम कर, क्योंकि जो दास की दशा में प्रभु में बुलाया गया है वह प्रभु का स्वतंत्र किया हुआ है। वैसे ही जो स्वतंत्रता की दशा में बुलाया गया है वह मसीह का दास है। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो, मनुष्यों के दास न बनो। हे भाइयों, जो कोई जिस दशा में बुलाया गया हो वह उसी में परमेश्वर के साथ रहे। अविवाहित और विधवाएं, 25 वचन से आगे, कुमारियों के विषय में प्रभु की कोई आज्ञा मुझे नहीं मिली, परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसी दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूँ। मेरे समझ में यह अच्छा है कि आजकल क्लेश के कारण मनुष्य जैसा है वैसा ही रहे। यदि तेरे पत्नी है तो उससे अलग होने का यत्न ना कर, और यदि तेरे पत्नी है नहीं तो पत्नी की खोज न कर। परंतु यदि तू विवाह भी करे तो पाप नहीं, और यदि कुंवारी ब्याही जाए तो कोई पाप नहीं, परंतु ऐसों को शारीरिक दुख होगा, और मैं बचाना चाहता हूँ। थैंक यू जीसस। हे भाइयों, मैं यह कहता हूँ कि समय कम किया गया है, इसलिए चाहिए कि जिनके पत्नी हो वे ऐसे हो मानो उनके पत्नी नहीं, और रोने वाले ऐसे हो मानो रोते नहीं, और आनंद करने वाले ऐसे हो मानो आनंद नहीं करते, और मोल लेने वाले ऐसे हो मानो उनके पास कुछ है ही नहीं, और इस संसार के साथ व्यवहार करने वाले ऐसे हो कि संसार ही के न हो ले, क्योंकि इस संसार की रीति और व्यवहार बदलते जाते हैं। अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें, 32 वचन से आगे, अतः मैं यह चाहता हूँ कि तुम्हें चिंता न हो। अविवाहित पुरुष प्रभु की बातों की चिंता में रहता है कि प्रभु को कैसे प्रसन्न रखे, परंतु विवाहित मनुष्य संसार की बातों की चिंता में रहता है कि अपनी पत्नी को किस रीति से प्रसन्न रखे। विवाहिता और अविवाहिता में भी भेद है। अविवाहिता प्रभु की चिंता में रहती है कि वह देह और आत्मा दोनों में पवित्र हो, परंतु विवाहिता संसार की चिंता में रहती है कि अपने पति को प्रसन्न रखे। मैं यह बात तुम्हारे ही लाभ के लिए कहता हूँ, न कि तुम्हें फंसाने के लिए, वरन इसलिए कि जैसा शोभा देता है वैसा ही किया जाए, कि तुम एक चित्त होकर प्रभु की सेवा में लगे रहो। यदि कोई यह समझे कि मैं अपने उस कुंवारी का हक मार रहा हूँ जिसकी जवानी ढल रही है, और आवश्यकता भी हो तो जैसा चाहे वैसा करे, इसमें पाप नहीं, वह उसका विवाह होने दे। परंतु जो मन में दृढ़ रहता है और उसको आवश्यकता न हो वरन अपनी इच्छा पर अधिकार रखता हो और अपने मन में यह बात ठान ली हो कि वह अपनी कुंवारी लड़की को अविवाहित रखेगा, वह अच्छा करता है। इसलिए जो अपनी कुंवारी का विवाह कर देता है वह अच्छा करता है, और जो विवाह नहीं कर देता वह और भी अच्छा करता है।
जब तक किसी स्त्री का पति जीवित रहता है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर जाए तो जिससे चाहे विवाह कर सकती है, परंतु केवल प्रभु में। परंतु जैसे ही यदि वैसी ही रहे परंतु जैसी है यदि वैसी ही रहे तो मेरे विचार में और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि परमेश्वर का आत्मा मुझ में भी है। धन्यवाद करते हैं खुदा परमेश्वर। What can I rent?